अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मौजू पर वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत इंफॉर्मेशनल होने वाली है, इसलिए वीडियो को कहीं पर भी स्किप ना कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन हासिल हो। आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे बहुत से दोस्त यूट्यूब पर चैनल बना लेते हैं, वीडियोज़ भी अपलोड करते हैं, लेकिन उनको एक ही मसला रहता है कि ना तो व्यूज़ मिलते हैं, ना ही वॉच टाइम पूरा होता है और ना ही सब्सक्राइब गेन होते हैं। इसकी क्या वजह होती है? इसकी बहुत सी वजूहात होती है। अब यही दोस्त जो हमारे चैनल बना के बैठते हैं, मेहनत कम करते हैं और फिर परेशान होकर ऐसे लोगों की वीडियोस पर जाते हैं, उनके कमेंट सेक्शन में जाकर सब पर सब खेलते हैं, यानी तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करूँगा। ऐसा करने से सब्सक्राइबर गेन हो जाते हैं, लेकिन जब आप चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो चैनल जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि यूट्यूब के एल्गोरिदम से उनको फौरी पता चल जाता है कि आपने क्या गेम चलाई। ऐसा मत कीजिए। आइए मैं आपको एक प्रॉपर वे बताता हूँ जिस पर आप अमल करके सब्सक्राइबर भी गेन कर सकते हैं, आपको व्यूज़ भी मिलेंगे और आपके चैनल का वॉच टाइम भी पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहली बात जिसको आपने ध्यान में रखना है कि आपकी चैनल का निश क्या है। आपने हमेशा जो भी वीडियो बनानी है अपनी निश के मुताबिक बनानी है। अपने चैनल पे खिचड़ी कभी भी नहीं पकानी। मिसाल के तौर पे आपका चैनल जो है वो न्यूज़ चैनल है, आपकी निश जो है वो न्यूज़ है, तो आप उस पर हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ मत अपलोड करें। कभी भी आप उस पर टैक्स से रिलेटेड जो है वो वीडियोस अपलोड मत करें। आप उस पर सिर्फ न्यूज़ से ही रिलेटेड आप वीडियोस को अपलोड करें ताकि आपकी जो ऑडियंस है वो कंफ्यूज ना हो। दूसरी बात, आपकी जो निश है उसके मुताबिक आप रोज़ाना कोई ट्रेंडिंग टॉपिक ढूंढें, उस टॉपिक पे आप वीडियो बनाएं, उस वीडियो को फिर आप अपलोड कर दें। जब आप ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, अपलोड करेंगे तो आपको व्यूज़ भी मिलेंगे और इंशाल्लाह जब आप रोज़ाना की बेसिस पे वीडियो बना के ट्रेंडिंग टॉपिक पे अपलोड करते रहेंगे तो कोई ना कोई वीडियो आपकी वायरल हो जाएगी और फिर आपको चंद ही दिनों में, चंद ही बाज़ुकात घंटों में इतने सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, इतना वॉच टाइम मिल जाता है कि आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी जो सबसे अहम बात है कि आप अपने चैनल की जो वीडियो बनाते हैं उसका थंबनेल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना है। इसके लिए बहुत ज़रूरी बात यह है कि जो भी आप वीडियो जिस भी टॉपिक पर बनाने लगे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड आप पहले YouTube पर सर्च करें कि दूसरे जो आपके कंपटीटर्स हैं, आपकी निश पे जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने जब ये इस टॉपिक पर काम किया तो उन्होंने थंबनेल कैसा बनाया। बस उनकी गलतियों को नोट करते हुए एक ऐसा यूनिक अट्रैक्टिव सा थंबनेल बनाकर वीडियो के साथ अपलोड करें कि जो भी उस वीडियो के थंबनेल को देखे तो फौरी वो आपकी पूरी वीडियो देखने के लिए तैयार हो जाए। इसके साथ एक और बात का ख्याल रखें, वो बात क्या है कि जब भी आप अपनी वीडियो अपलोड करें तो ऐसा कीवर्ड, ऐसा टाइटल चूज़ करें जो लोगों को सर्च में आए। अब इसके लिए भी आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कंपटीटर्स के यूट्यूब चैनल्स को देखें कि उन्होंने जब उस टॉपिक पर वीडियो अपलोड की थी तो उन्होंने कौन से कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया था। बस आप उन्हीं कीवर्ड्स को थोड़ा सा रद्दो बदल करके उसी पे टाइटल बनाकर अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं। ये ज़रूरी बातें हैं दोस्तों। ट्रेंडिंग टॉपिक, अपनी निश में रहना, थंबनेल अट्रैक्टिव बनाना और चौथी बात जो है वो टाइटल बहुत ज़्यादा अच्छा होना। ये चार चीज़ें ऐसी हैं जिन पर अगर आप बड़ी ही मेहनत कर लेते हैं तो आपके चैनल को, आपकी वीडियो को वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक और बात जो बड़ी काम आने वाली है वो ये है कि अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन ज़रूर शामिल किया करें और उसमें चंद टैग्स भी लगाया करें। टैग्स भी वीडियो के वायरल होने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? हमने बड़े मुख्तसर अंदाज में आपको ये बताने की कोशिश की कि आप अपनी यूट्यूब की वीडियो को कैसे वायरल करके सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं, व्यूज़ हासिल कर सकते हैं और अपने वॉच टाइम को पूरा कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें, अल्लाह निगेह।